मोदी जी, आपने हम सब लोगों की दावत की है तो पहले हमें खा लेने देते, तुम्हारा खाना अभी जरूरी भी नहीं था, तुम पहले खाने के लिए डट गए। तुम्हारे तो घर में ही खाना है, तुम तो जब चाहे जब खाते रहते। वैसे मोदी जी, खाने का बहुत अच्छा इंतजाम किया है आपने, स्टैंडिंग खाना किया है और 56 तरीके के पकवान बनाए हैं आपने। अरे योगी जी, छोले का चम्मच मुझे दे दो, सारे के सारे छोले क्या अपनी प्लेट में अभी डाल लोगे? थोड़े तो छोले छोड़ दो। मोदी जी, एक पापड़ देना, जरा पापड़ देना। पापड़ बहुत खा रहे हो आप। कहाँ पर राहुल एक ही पापड़ खाया है, दूसरा पापड़ अब मैं ले रहा हूँ। मैंने सोचा राहुल एक बार सबको भरपेट अच्छी तरीके से सारे पकवान बना के सबकी दावत कर देता हूँ। वैसे राहुल खाना तो बढ़िया बना है, स्टैंडिंग खाना करा रहा हूँ मैं सबको। अरे पंगत में तो बैठ के खाते ही रहते हैं, मैंने सोचा आज स्टैंडिंग खाना करा देता हूँ। अरे मोदी जी, खाना तो तुमने बहुत तरीके का बनवाया, 56 तरीके की सब्जी बनवाई है तुमने, लेकिन पंगत में एक आदमी सबको सब्जी परोस तो देता है, यहाँ पर तो सबको अपनी अपनी पड़ी है। क्योंकि आदमी अपने हाथ से सब्जी प्लेट में ले रहा है, उसकी जितनी मर्जी हो रही है उतनी ले रहा है। मैं तो सबसे लास्ट में हूँ, पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो राजनाथ सिंह जी, अपना दोनों पीछे हैं, पता नहीं कब नंबर आएगा। ये केजरीवाल, अखिलेश और लालू जी आगे बढ़ ही नहीं रहे। अखिलेश, केजरीवाल, जल्दी प्लेट में अपनी सब्जी निकालो, हमें आगे आने दो। अरे लालू जी, धक्का क्यों दे रहे हो, क्या मेरे हाथ से छोले गिरवाओगे? छोले और डालने दो मुझे अपनी प्लेट में। मोदी जी, आपने 56 तरीके की सब्जी बनवाई है, लेकिन मुझे तो छोले ही सबसे अच्छे लग रहे हैं। अच्छा योगी जी, एक बात बताओ, किसी को छोले खाने दोगे कि नहीं दोगे? अरे सारे के सारे छोले अकेले तुम ही खाए जा रहे हो, और भी तो सब्जी है, वो देखो बैंगन का भरता है, दम आलू है, लो वो तो खाओ, तुम तो छोले ही खाए जा रहे हो। लालू जी, मैंने दावत इतनी बढ़िया बढ़िया खाई, लेकिन आज जो मोदी जी ने सबकी दावत की है उसकी बात ही निराली है। कितने तरीके का खाना बनवाया है, मैं तो ये सोच रहा हूँ क्या खाऊं क्या छोड़ूं, पेट तो मेरे पास एक ही है। अरे केजरीवाल जी, धक्का क्यों दे रहे हो? अखिलेश, तुम सबकी तारीफ के लिए ही तो मैंने ये 56 तरीके का खाना बनवाया है। असल में मैं अगर पंगत में खिलवाता तो 56 आदमी 56 सब्जी कैसे देते, इसीलिए मैंने स्टैंडिंग खाना करा दिया, अब अपने तरीके से खाते रहो। भाइयों को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, कितनी देर लगेगी इस गाजर के हलवे को बनने में? 2 घंटे से हम बैठे हैं, अभी तक तुम्हारा गाजर का हलवा तैयार नहीं हुआ है, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है आपके गाजर के हलवे में से। लालू जी, सब्र करो, बस थोड़ी देर की बात है, मेरा गाजर का हलवा बस तैयार होने ही वाला है, बस थोड़ी देर की बात है। ये देखो सारे लोग थाली लेकर खड़े हैं एडवांस में। मोदी जी, आपको ऐसा नहीं लगता आपने कढ़ाई में गाजर का हलवा ज्यादा बना लिया? गाजर का हलवा कढ़ाई से ज्यादा ही बाहर आ रहा है, कहीं गिर ना जाए। और कितनी देर में ये गाजर का हलवा तैयार होगा? आप तो कह रहे थे सिर्फ 5 मिनट लगाता हूँ पकाने में, अरे हमने गाजर भी लाके दे दी। राहुल, तुमने क्या अकेले गाजर लाके दिए? मैंने चीनी लाके नहीं दी है, शक्कर तो मैंने लाके दी है। मोदी जी का काम तो सिर्फ पकाने का है, तुमने गाजर लाके दी, मैंने शक्कर लाके दी। और अखिलेश, हमें भूले जा रहे हो, जिस कढ़ाई में ये मोदी जी पका रहे हैं वो कढ़ाई तो मैंने ही लाके दी है। अपना लोगों ने ये तय किया था कि गाजर राहुल लाएगा, शक्कर अखिलेश तुम लाओगे और मैं कढ़ाई। और ये जो मेरे पीछे केजरीवाल खड़े हैं, इन्होंने घी लाके दिया है, और लालू जी लकड़ी लाए। बस इसी तरीके से मिल बांट के गाजर का हलवा तैयार हो रहा है, लेकिन ये मोदी जी कुछ लेके नहीं आए। अरे योगी जी, अगर मैं कुछ लाया नहीं हूँ, मैं बना के नहीं दे रहा हूँ, पकाने की मेहनत नहीं है। तुम्हें किसी को पकाना आता है गाजर का हलवा? कोई भी बनाना नहीं जानता है। अब जब से गाजर का हलवा मैंने बनाना शुरू किया है, तब से तुम थाली लेकर खड़े हो, कम से कम थोड़ी देर बैठ तो जाओ, खड़े खड़े थक नहीं रहे हो तुम? वो मोदी जी, हम इसलिए है क्योंकि आप जो गाजर का हलवा बना रहे हैं, इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और हमसे सब्र नहीं हो पा रहा है खाने के लिए, ऐसा लग रहा है जल्दी खाने को मिले। कोई बात नहीं है केजरीवाल, बस 1 मिनट का इंतजार और कर लो, गाजर का हलवा बनने ही वाला है। योगी जी, आपके घर में बड़ी कढ़ाई नहीं थी, ये छोटी कढ़ाई लाके दे दी तुमने, गाजर का हलवा ज्यादा है और ये कढ़ाई छोटी है, इसमें से निकल रहा है ऊपर को। नहीं मोदी जी, मेरे पास यही छोटी कढ़ाई थी, बड़ी कढ़ाई लालू जी के पास थी, उन्होंने दी ही नहीं। अरे योगी जी, मैं कितनी चीजें लाके देता, मैंने लकड़ी लाके नहीं दी है? अरे लकड़ी को चूल्हे में जलाकर ही तो गाजर का हलवा बनाया जा रहा है। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, मुझे ये तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, कल से मैं काम पे नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ, बिल्कुल नहीं आऊंगा, आज ही से काम छोड़ रहा हूँ मैं। क्यों लालू जी, कल से काम पे क्यों नहीं आओगे, ऐसा कौन सा गजब हो गया? अरे तुम देख ही रहे हो, सुबह से इतनी भारी बारिश हो रही है, और तुम इस भारी बारिश में हमसे मजदूरी करवाने के लिए फैक्ट्री में शहर ले आए। अब क्या हुआ, यहाँ आकर देखा तो फैक्ट्री में पानी भरा पड़ा है, अब उल्टा वापस लौटना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? देखो लालू जी, चाहे आंधी आए, तूफान आए या बारिश आए, अपना लोगों को रोज फैक्ट्री में जाके ड्यूटी देना ही देना है, चाहे वहाँ मजदूरी हो
या ना हो। अरे मोदी जी, तो ऐसी ड्यूटी का भी क्या फायदा, तुम बारिश में उठा के लिए चले आए हमें फैक्ट्री में काम करवाने के लिए, और फैक्ट्री में काम भी हुआ नहीं। एक तो बारिश में मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है, आंखों में बारिश की बूंदे आ रही है बहुत तेज। तो अखिलेश हेलमेट लगा के क्यों नहीं आए थे घर से, बारिश की बूंदे मुंह पर नहीं आती फिर तुम्हारे? मोदी जी, ये सीख तब अच्छी लगती है जब खुद भी वो काम करती हो। आप अपनी तरफ देखो, आप भी तो हेलमेट नहीं लगाई हुई हो। और मुझे एक बात बताओ, क्या बारिश आंधी तूफान में भी फैक्ट्री रोज जाना जरूरी है? जब फैक्ट्री के मालिक ने अपनों को मजदूरी पे रखा था तो उसने ये शर्त रखी थी कि आपको रोज आना पड़ेगा। ऐसे तो कोई कभी भी छुट्टी कर सकता है, फैक्ट्री बंद हो जाएगी ऐसे तो। लेकिन मोदी जी, मेरा तो 100 रुपए का पेट्रोल खराब हो गया आज का, और फैक्ट्री में पानी भरे होने के कारण काम भी नहीं हो पाया, तो आज के मेरे पेट्रोल का पैसा कौन देगा? अगर तुम्हारा आज 100 रुपए का पेट्रोल खराब हो गया तो तुम इसी फैक्ट्री से रोज कमाते भी तो हो 500 रुपए दिन। एक दिन के पेट्रोल के खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मोदी जी, मैं तो आज बिल्कुल सही रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों वैसे जी, कैसे? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात को। भाई मेरे पास तो साइकिल है, मैं हमेशा साइकिल से ही आता हूँ, मैं मोटरसाइकिल से थोड़ी आता हूँ। इसीलिए मेरा पेट्रोल भी खत्म नहीं हुआ, और आज तुम हल्के हल्के चल रहे हो क्योंकि बारिश हो रही है, तो मैं तुम्हारे साथ ही में चल रहा हूँ। अरे ओवैसी जी, आज बारिश हो गई, आज ही तो तुम खुश हो रहे हो, हमारे साथ 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 चल रहे हो क्योंकि हम हल्के हल्के चल रहे हैं। वैसे तो तुम फैक्ट्री में रोज साइकिल से आधा घंटे लेट आती हो क्योंकि हम मोटरसाइकिल से जल्दी पहुंच जाते हैं। बारिश भी आज बहुत हुई है, पूरी फैक्ट्री में पानी भर गया, इसीलिए वापस जाना पड़ रहा है। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। योगी जी, राहुल, अखिलेश, क्या करा जाए, आज 3 दिन हो गए रोड पर बैठे बैठे, क्या यूं ही रोड पर बैठे रहे हाथ पर हाथ धरे? क्या इस शहर में काम होना ही बंद हो गया? आज 3 दिन हो गए कोई भी कोई काम कराने के लिए नहीं आ रहा है। मोदी जी, मुझे ये आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अखिलेश, कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? मैं अच्छा खासा गाँव में राजनाथ सिंह जी की बैलगाड़ी चलाता था, वो मुझे 50 रुपए दिन देते थे। तुम्हारे कहने में आकर मैं शहर में आ गया कि शहर में अच्छी मजदूरी होगी, दिन भर का 150 रुपया मिलेगा। लेकिन इस शहर में आके क्या हुआ, रोड पर बैठे कोई मजदूरी करवाने वाला नहीं है। अब राजनाथ सिंह जी की बैलगाड़ी चलाना छोड़ दिया, अब वो दोबारा बैलगाड़ी भी नहीं चलवाएंगे मुझसे। अरे अखिलेश, तुम तो राजनाथ सिंह जी की मजदूरी छोड़ के आयो, मैं तो अपनी खुद की 2 बीघा खेती बाड़ी छोड़ कर आया हूँ इन मोदी जी के कहने पर। इन्होंने कहा खेती बाड़ी में क्या रखा है, मैं तुम्हें 150 रुपए दिहाड़ी करवाऊंगा शहर में ले जाकर। लेकिन क्या हुआ, यहाँ रोड पर बैठे। अरे मोदी जी, जो घर से खाना बांध कर लाए थे वो भी खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, अपना खाना कौन सा खाएंगे? खाना खाने के लिए जेब में पैसे भी नहीं है, बताओ क्या करेंगे अपना? योगी जी, आज छुट्टी का दिन है, आज जरूर कोई काम करवाने वाला मिलेगा, आज का इंतजार करो। अरे मोदी जी, कैसी बात करती हो, छुट्टी का दिन तो कल भी था, कल कौन मजदूरी करवाने के लिए आया अपनों से? मैं भी तुम्हारे साथ आकर फंस गया। भाई मैं तो घर वापस चल रहा हूँ, मेरे साथ कौन कौन चलने को तैयार है बताओ? राहुल, मैं तुम्हारे साथ गाँव वापस चलने को तैयार हूँ, मैं यहाँ पर मजदूरी का इंतजार नहीं करूंगा, कब तक रोड पर बैठा रहूंगा? अरे ओबैसी जी, मैं तो राजमिस्त्री का काम करता हूँ, मैंने सोचा था इस शहर में कोई घर बनवाने वाला मिल जाएगा तो उसका घर बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई घर बनवाने वाला मिल ही नहीं रहा है, कोई कोई सा काम करवाना ही नहीं चाहता है, पता नहीं कैसा शहर है। सही कह रहे हो केजरीवाल, चलो वापस गांव में चलते हैं, ये मोदी जी अपने साथ जाएं के नहीं जाएं इनकी मर्जी, अपना लोग तो चलते हैं। चलो राहुल, केजरीवाल, चलो। अच्छा खासा मैं गांव में भैंस का दूध बेचता था, यहाँ पर मोदी जी मुझे ज्यादा मजदूरी का लालच देकर ले आए। लालू जी, सारा दोष तुम सब लोग मेरे ही ऊपर दे रहे हो, तुम सब तो ऐसा समझ रहे हो जैसे मैं काम कर रहा हूँ, तुम खाली बैठी हो। अरे खाली तो मैं भी हूँ यहाँ आकर। चलो वापस गांव चलते, गांव में ही काम करेंगे जो करते थे, ऐसे रोड पर कब तक बैठे रहोगे? और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।